फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं क्लास टू इलेवेंथ का जो फर्स्ट लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें दो ही क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन कुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। मतलब हमें बताना है कि जो कुशवंत सिंह जो लेखक हैं और उनकी दादी माँ के बीच में उनकी दोस्ती कैसी थी। तो बेटा आंसर देखते हैं और ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग हिम अप व्हेन द ऑथर लिव्ड विद हर इन द विलेज ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ। कुशवंत सिंह की दादी माँ वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग हिम अप व्हेन द ऑथर लिव्ड विद हर। मतलब वो दोनों लोग बहुत ही आपस में एक दूसरे से अत्यधिक लगाव था, एक दूसरे के साथ रहते थे। व्हेन द ऑथर लिव्ड विद हर इन द विलेज ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ, मतलब वो अपनी छोटी उम्र में जब वहाँ पर गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहता था, उस समय उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा लगाव था। सी यूज टू वेक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उस उन्हें लेखक को सुबह जल्दी उठाती थी। वाइल बाथिंग एंड ड्रेसिंग हिम, मतलब सुबह उठाकर उन्हें नहलाती थी, ड्रेसिंग उनको कपड़े पहनाती थी। सी सैंग हर प्रेयर्स, वह अपनी प्रार्थना गाया करती थी। सी होप्ड दैट द यंग बॉय वुड लर्न इट बाई हार्ट, मतलब वो इसलिए वो प्रेयर गाती थी कि शायद उनका जो पोता है या लड़का है, पुत्र है यंग बॉय वुड लर्न इट बाई हार्ट, मतलब वो भी उसे जबानी याद कर लेगा। बाई हार्ट मतलब जबानी होता है। सी देन गेव हिम ब्रेकफास्ट स्टेल चपाती, मतलब वह उसे तब क्या देती थी, कपड़ा पहनाने के बाद, तैयार कर देने के बाद, नहलाने के बाद उसे वह ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता देती थी। आ स्टेल चपाती, स्टेल चपाती समझते हो, स्टेल मतलब बासी रोटी। विद बटर, मक्खन के साथ, एंड शुगर, और उसके ऊपर क्या डाल देती थी, शुगर। देन तब दे वुड गो टुगेदर टू द टेम्पल स्कूल, तब क्या करते थे उसको, उस नाश्ते के बाद वे दोनों साथ में मंदिर जाते थे, मंदिर वाले स्कूल, मतलब मंदिर में ही स्कूल था, उस स्कूल को जाते थे। व्हाइल द ऑथर लर्नड हिज लेसन, जहाँ पर लेखक अपने पाठ को पढ़ता था, सीखता था। द ग्रैंड मदर वुड रीड हॉली बुक्स, ग्रैंड मदर जो थी वहाँ पर बैठकर क्या पवित्र किताबें पढ़ती थी। दे रिटर्न्ड होम टुगेदर, वे साथ साथ घर वापस आते थे। एट रिटर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप, यही अर्निंग पर मतलब यही जो बिंदु है, अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप, एक मतलब बदलाव आता है उनके दोस्ती के बीच में, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड, जब उनके माता पिता उन्हें बुला लेते हैं, कॉल्ड देम टू सिटी, कहाँ पर, शहर में, क्योंकि उनके माता पिता पहले ही चले जाते हैं शहर में रहने के लिए। किस लिए शहर में रहने के लिए चले जाते हैं, कि जब वो शुरुआत में चले जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, जब उनकी रहने की व्यवस्था और सब सेट हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, दादी माँ और लेखक को क्या करते हैं, वहाँ पर बुला लेते हैं। आल्थो दे शेयर्ड अ रूम, यद्यपि वह एक कमरे में रहते थे। सी कुड नॉट हेल्प हिम मच, वह उन लेखक की ज़्यादा मदद नहीं कर पाती थी। सी हेटेड म्यूजिक, साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन, सी हेटेड, वह नफरत करती थी, उन्हें नफरत थी म्यूजिक मतलब विज्ञान से, साइंस विज्ञान से, म्यूजिक, म्यूजिक मतलब होता है हमारा संगीत से, एंड वेस्टर्न एजुकेशन, और जो वेस्टर्न एजुकेशन से, उस शिक्षा से नफरत थी। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप स्नैप्ड, यहीं पर उनका क्या था, जो कॉमन सी बात थी, लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप स्नैप्ड, यहीं पर उनके बीच के विचारों की जो दोस्ती के विचार थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे, मतलब दूर होने लगे, हटने लगे, टूटने लगे, स्नैप्ड मतलब टूटने लगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इमेज ऑफ द ग्रैंड मदर इमर्जेस फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मतलब जो लेसन हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से दादी माँ की कौन सी तस्वीर निकल कर आती है। तो कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी ओल्ड लेडी, कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी ओल्ड लेडी, कुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी उनकी ऐसी तस्वीर निकल कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। सी वाज शॉर्ट स्टैटर्ड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह मतलब बहुत ही छोटी थी, हल्की सी मोटी एंड स्लाइटली बेंट और झुकी हुई थी, मतलब उनकी कमर से वो झुकी हुई थी। ही फेस वाज रिंकल्ड, मतलब उनका हर फेस वाज रिंकल्ड, उनके चेहरे पर क्या थी, रिंकल्ड झुर्रियाँ थी, मतलब चेहरे पर बूढ़े लोग होते तो क्या झुर्रियाँ आ जाती, लटक जाता चेहरा उस तरह से। एंड सी वाज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ, और उनका जो स्पॉट ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ, हमेशा वो ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनती थी जिसमें कोई दाग नहीं होता था। सी वाज डीपली रिलीजियस लेडी, वह बहुत ही धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक महिला थी। हर लिप्स वेयर ऑलवेज मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, और उनकी जो होठे थी वो क्या करती थी, बराबर मूविंग चला करती थी इन अ साइलेंट प्रेयर, मतलब आवाज़ नहीं आती थी लेकिन होठे उनकी चला करती थी, जैसे लोग क्या करते हैं, ओम ओम क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या कुछ भी जो उनकी प्रार्थना होती उसको करा करती थी। सी वाज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ हमेशा उनके मुँह से प्रेयर निकला ही करती थी। सी वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर जाती थी। द रीड द स्पिरिचुअल्स मतलब आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ती थी। द ग्रैंड मदर वाज अ काइंड लेडी, ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही दयालु औरत थी। सी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वह कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। इन द सिटी सी टुक द फीडिंग द स्पैरोज, और शहर में क्या करती थी, वह शहर में चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। सी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन, उनके अंदर अपने पौत्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जो उनको पोता था लेखक था उसके प्रति बहुत लगाव था। सी लुक्ड आफ्टर, वह उसकी देखभाल करती थी। हिम इन द विलेज, गाँव में उस क्या करती थी, उसका देखभाल। सी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, और वह अपने आप को उस वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ मतलब जो शहर की ज़िंदगी थी, या अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम का सब कुछ था, उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा। साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन, मतलब विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार। सी हेटेड म्यूजिक, वह नफरत करती थी संगीत से। एंड वाज डिस्टेंट, और उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। टू नो दैट देयर वाज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर भगवान के बारे में उसे नहीं पढ़ाया जाता। एंड हॉली बुक्स, और ना ही पवित्र किताबों के बारे में। एंड कुशवंत सिंह न्यू इंग्लिश स्कूल, कहाँ पर, कुशवंत सिंह के नए अंग्रेजी स्कूल में। ऑन द होल सी वाज अ नाइस काइंड हार्टेड, यह सब देखकर वो उनका जो हृदय था बहुत ही ज़्यादा दयालुता से भरा हुआ था। एंड रिलीजियस लेडी, और वह बहुत ही कैसी आध्यात्मिक औरत थी। तो बेटा इसमें दो ही क्वेश्चन थे, तो इसको हमने पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब यह बच्चों के आप लोगों की समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नए वीडियो में।